हेलो, मैं हूँ मुनीश राजदान। एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं एक्यूश्योर का मसाजर। नई आइटम है मसाजर, हम लोग पहली बार डेमो कर रहे हैं। इसका मॉडल है 604B। बॉडी मसाजर है, तीन चार अटैचमेंट्स के साथ में आता है। और इसकी MRP जो है 2799 है इंक्लूडिंग टैक्सेस। खोल के देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपको एक मिलेगा यूज़र मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चार इसके साथ अटैचमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप का मसाज करने के लिए। और ये मसाजर है, यहाँ पे इस पे ये नेट लगा हुआ है, प्रोटेक्शन नेट है। तो इसको चेंज कर अटैच इसे यूज़ कर सकते हैं। अटैचमेंट यूज़ करने के लिए इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे तो इसका लॉक खोल के हम लोग ये हटा सकते हैं। और इसमें ये नीचे हेड्स हैं, डिफरेंट हेड्स हैं इसमें, तीन चार किस्म के हैं। एक ये फ्लैट हेड है, किस पर्पस के लिए कौन सा हेड है वो इन्होंने इसमें लिखा है। इसमें फ्लैट मसाज हेड जो है वो इसमें लगा हुआ होगा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं तो ये निकल आता है, ये फ्लैट हेड है। दूसरा ये बोलते हैं वेवी मसाज हेड है, इसमें वेव्स जैसा बना हुआ है, डिफरेंट टाइप का मसाज होगा इससे। फिर इसको लगाने के लिए इस पर सिंपली इंसर्ट करना है और पुश कर दीजिए, ये इसके ऊपर माउंट हो जाएगा। इसके ऊपर आप ये नेट लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, बिना इसके यूज़ करना चाहें तो बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेश कवर है इसका। तीसरा अटैचमेंट है हमारे पास बॉल मसाज हेड है, इसमें बॉल्स बनी हुई है, इसको बॉल मसाज हेड बोलते हैं। और चौथा जो है हमारे पास, इसमें ये डेड स्किन रिमूवल है, जैसे पाँव की स्किन रिमूव करनी है, डेड स्किन है तो आप इसको लगा के, ये थोड़ा रफ़ जैसा है, जैसा सैंड पेपर होता है, ये थोड़ा रफ़ दिख रहा है, आप इससे आप डेड स्किन जो है रिमूव कर सकते हैं। जो भी अटैचमेंट आपको लगाना है वो लगा के इसमें इसको एक साइड में, यहाँ पे कट भी है निकालने के लिए, आप ये कट के पास से जो है उंगली लगा के इसको, दोनों तरफ कट है, यहाँ से पकड़ के इसको आप ऐसा खींच के निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कट है दोनों तरफ, इधर भी है और इधर भी है, ये कट्स हैं यहाँ पे। अभी हम ये फ्लैट हेड या कोई ये बॉल वाला लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद में आप इसके ऊपर, ये यहाँ पे कट है, स्लॉट बने हुए हैं, तो इसमें इसको रख के ऊपर हल्का सा क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर मैश कवर लग जाएगा। आपको लगा के यूज़ करना है तो लगा के यूज़ कीजिए, बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये रेगुलेटर है और ऑन ऑफ स्विच भी बोल सकते हैं। यहाँ से इसका स्पीड कंट्रोल होगा और ऑफ भी होगा। इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करते हैं, इसको टर्न करेंगे, ये ऑन हो गया। इसमें रेड कलर की लाइट भी जलती है तो जहाँ भी आपको मसाज करना है वहाँ पे आप इसको रख के थोड़ा सा पुश करेंगे तो उतना हार्ड मसाज होगा, सॉफ्ट रखेंगे तो सॉफ्ट मसाज होगा। जहाँ भी आपको शोल्डर में करना है या कहीं पे भी करना है, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे इसका स्पीड आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाना है, पहले स्लो स्पीड पे कीजिए। ये देखिए बहुत तेज़ स्पीड है, एकदम से फास्ट स्पीड में यूज़ नहीं करना है, सबसे पहले सब स्लो ही रखना है,
स्लो स्पीड में यूज़ करना है, उसके बाद धीरे धीरे जब आप इसको एडेप्टिव हो जाएं इसके, तब आप इसको स्पीड बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा स्पीड एकदम से नहीं बढ़ाना है। ये लाइट भी इसके अंदर जलती है, लाइट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस शो के लिए लाइट्स दी है इसमें। ये ऑफ है, ऑन ऑफ, ऐसे ही ऑफ हो जाता है। हैंडल इसका ग्रिप अच्छा दिया है, छोटा सा है, कैरी करने में भी इजी है। इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने मेंशन किया है फ्लैट मसाज हेड जो है, फ्लैट वाला, डिकम्प्रेशन मसाज के लिए, वेट लॉस मसाज के लिए और फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल यूज़ हो सकता है। जो वेवी मसाज हेड है, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट एंड डीप टिश्यू मसाज के लिए है। बॉल मसाज हेड जो हमने इसमें लगाया है, कैन बी यूज्ड विद एसेंशियल ऑयल एज यू लाइक। चौथा जो है डेड स्किन रिमूवल हेड है, इसको लगा पाँव के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ जो है इसके ऊपर ये जो दिया है, प्रिवेंट हेयर इन्वॉल्व्ड इन द मशीन, प्रोटेक्ट हेयर सेफ्टी। इसके अंदर बाल वगैरह नहीं जाएंगे अगर आप इसका ये मेश लगा के यूज़ करेंगे, बाल वगैरह जो टूट के अंदर लग चले जाते हैं, फंस जाते हैं, वो नहीं जाएंगे इसके अंदर। और इनका इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पीड जो है वो एकदम से नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के टाइम में लोअर मसाज स्पीड, ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड आफ्टर अडेप्शन। आफ्टर यूजेज स्विच द पावर डायल काउंटर क्लॉकवाइज अंटिल इट कैन नॉट टर्न एनी मोर टू टर्न ऑफ। एक बार टिक करके ऑफ होगा तब इसको बंद कर दीजिए। रिमूव प्लग, प्लग निकाल दीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम टू यूज बेटर नॉट मसाज डायरेक्टली ऑन स्किन, स्किन के ऊपर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं करना है। मसाज स्पीड शुड बी मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। मूव द डिवाइस बैक एंड फोर्थ, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करना है इसको, डिवाइस को। प्रिकॉशंस इसमें क्या लेने हैं, डू नॉट यूज़ द डिवाइस इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स और एनी फिजिकल इंजरीज, एंड कंसल्ट योर फिजिशियन इफ़ यू आर अनश्योर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम है या कोई इंजरी है आपको, तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ लीजिए। खाना खाने के एक घंटे के बाद ये मसाजर यूज़ करना है, खाना खाते ही एकदम से ये यूज़ नहीं करना है, बच्चों से दूर रखना है। एक ही एरिया में इसको 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे यूज़ करना है। बाथरूम में यूज़ नहीं करना है, गीली जगह पे यूज़ नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप इसको सर्विस सेंटर में दिखाइए, खुद रिपेयर करने की कोशिश ना करें। और जब तक ये मशीन पूरी तरह से रुक जाए घूमने से, तभी इसके आगे हाथ लगाएं, अदरवाइज़ चलती मशीन में कुछ इसके साथ खेल ना करें। जब हेड मसाज आपको चेंज करना है तो पूरा मशीन रुका हुआ होना चाहिए, उसके बाद में इसको पकड़ के आप निकाल के इसको चेंज करें। पावर कॉर्ड वगैरह इसका ख़राब होता है तो इमीडिएटली उसको ठीक कराएं। क्लीन करने के लिए नॉर्मल वाइप से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कपड़े से पोंछ सकते हैं, नॉर्मल हल्के शैम्पू हल्का साबुन से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। स्टोर इट इन ए ड्राई एंड कूल प्लेस, अवॉइड हाई टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट एंड कोरोसिव गैसेस। एक साल की वारंटी इसकी कंपनी देती है एक्यूश्योर, तो इसको जो वारंटी है आपको एक साल की मिलती है। थैंक यू।